साधनहीन नहीं हुए, उत्साहहीन नहीं हुए, पूरा जोर लगाए, पर क्या है, जहां जोर पूरा लगाता है वहां अहंकारी हो जाता है, बंदर बन जाता है। रोज करते हैं, रोज करते हैं, सब आता है। अब 15 साल हो गए सत्संग सुनते हुए। भाई किसी गधे को तुम 100 साल सत्संग मेरा सुना लो, गधा ज्ञानी थोड़ी हो जाएगा। तो इसमें कौन सी गर्व करने की बात है। पर मैं देखती हूं लोगों को, हम पिछले 50 साल से सत्संग कर रहे हैं, तो चित्त की स्थिति क्या है पहले वो भी तो देख लो, कि सिर्फ अभिमान ही करना आता है। चित्त की स्थिति देखनी चाहिए। इसलिए कहा, बोल कभी बड़ा नहीं बोलना चाहिए, हम ये करते हैं, अरे हम करते हैं। पिछला एक संस्कार उल्टा जग गया ना, तो पता नहीं कहां का कहां बैठा होगा। सब अनुकूल रहे, दैट रिक्वायर्स 3 सपोर्ट सिस्टम, 3 टायर सपोर्ट सिस्टम चाहिए। एक, हमारे पूर्व कर्म अच्छे हों, ताकि उनके भोग जब आवे तो वो हमारी साधना में सपोर्ट कर रहे हों, ना कि साधना छुड़वा रहे हों। दो, एक जीवित सदगुरु का आश्रय, सन्निधि और आशीर्वाद मिला। मैं आपको एक बात कहो तो लिख के दे सकती हूँ, कहावतन होती नहीं बात, लिख के ले लो, तो वही मैं कह रही हूँ, लिख के हमसे आप ले लो ये बात। आप करोड़ों जन्मों में साधना कर लो, लेकिन अगर आपका गुरु आपसे प्रसन्न नहीं है, आप कहीं नहीं पहुंचोगे, कोई समाधि नहीं लगने वाली, चाहे आप बैठे माने प्राण अंदर तो बाहर कर करके फूक फूक मर जाओ चाहे, तो भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जितनी जोर से साधना करेगा उतने जोर से अहंकारी हो जाए, मूढ़ आदमी अहंकारी ही तो होगा और क्या होगा। बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए कभी भी, कभी भी। और यह भी प्रयास करना चाहिए कि निरंतर से हम अपना अभ्यास तो करें ही करें, लेकिन संत महापुरुषों का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे। संत महात्मा मिले तो हमें वो प्यार से आशीष दे रहे हों, उनकी कृपा दृष्टि हम पे पड़ रही हो, ये जरूर बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सद्गुरु की प्रसन्नता और सद्गुरु का आश्रय, सन्निधि, सानिध्य मिला हुआ हो, हमारा वैराग्य अभ्यास तत्परता से चल रहा हो, तो कहा इस जन्म में समाधि हो ही जाएगी, नहीं हुई या किसी कारणवश स्थिति से थोड़ा डगमग डोल गए, कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गई, डू नॉट वरी। गीता में कृष्ण चूंकि अपने मित्र से बोल रहे हैं ना, और फिर कृष्ण बोल रहे हैं तो बड़े मीठे स्वर से बड़ा आश्वासन देते हुए, श्रीमान कुल में जन्म होगा, कैसा नहीं, 6 कुल में जन्म होगा, जल्दी साधना शुरू हो जाएगी और फिर अपने लक्ष्य को वो भी प्राप्त कर लेगा। अब उस तरह का इमोशनल ड्रामा पतंजलि नहीं करते। एक वैज्ञानिक की तरह सारी बात हो रही है ना, तो बात उतनी ही कहते हैं जितनी कहने की आवश्यकता है, न कम न ज्यादा। अब विषय आता है कि योगी लगातार प्रयत्न कर रहा है, सत्कर्म कर रहा है, साधना कर रहा है, और साधना के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा और समाधि के द्वारा अपने पूर्व के इन सब अवशेषों को, संस्कारों को वो ठीक करने के प्रयास में जो लगा हुआ है, तो हम कैसे समझें कि भी ये ठीक होता है, दिस इज हाउ इट शुड बी डन। सूत्र आता है 20वां, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां। क्या चीज चाहिए? श्रद्धा।
वीर्य का अर्थ बल होता है, ढीले ढाले नहीं, बल, बल के साथ। स्मृति, स्मृति मतलब ये याद हमेशा बनी रहती उसको कि मेरा ये लक्ष्य है, उठते बैठते सोते जागते मेरा यही लक्ष्य है। ये काम करना है वो भूलता ही नहीं, काम करते हुए व्यवहार करते हुए सोते कि जागते उठते कि बैठते ये उसकी स्मृति बनी रहती है कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव माई ह्यूमन लाइफ। मैं यहाँ कुछ बन के दुनिया को दिखाने नहीं आया हूँ, मेरा तो मनुष्य जन्म आत्मज्ञान हेतु हुआ है, ये उसे कभी भूलता नहीं। प्रज्ञापूर्वक, प्रज्ञापूर्वक का अर्थ क्या हुआ कि समझदारी के साथ। समझदारी कैसे, ऐसा समझिए जैसे आसन है, फॉर एग्जाम्पल आसन अपनी क्षमता और शक्ति से थोड़ा सा ज्यादा करना चाहिए। आसन लोग अपनी क्षमता और शक्ति से काफी ज्यादा कम करते हैं। करना कैसे चाहिए, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से थोड़ा ज्यादा। क्यों मैं थोड़ा ज्यादा इसलिए कह रही हूं कि मसल्स की एक लिमिटेशन है। आपने अगर शरीर कभी हिलाया ही नहीं है तो फिर एक ही दिन में आप कहो कि आज तो हम वशिष्ठासन करेंगे सीधे ही, तुम्हारा डैडी भी नहीं कर सकेगा वो। और तुम कहो किसी को कि चल भाई पुत्रो आज तुम मेरी टांगे पकड़ो, दो तरफ से सीधी खींचो, बांव के नीचे कोई मेरे को पकड़ेगा और मैं कर लूँगा वशिष्ठासन, और चार लोग आपके शरीर को ट्विस्ट करने लग जाएं, सिर्फ हड्डियाँ टूटेंगी और कुछ नहीं होगा, ये बेवकूफ़ी होगी। जैसे कई योग सिखाने वाले ये करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल पश्चिम उत्तानासन में छाती जंघा के साथ लगी होनी चाहिए, द चेस्ट शुड बी इन एज मच मैक्सिमम कॉन्टैक्ट विद द थाइस, द लंबर एरिया शुड नॉट बी लाइक अ ब्रिज, इट शुड बी फ्लैट। अब चूंकि अभ्यास जो कर रहा है, आसन जो कर रहा है, उसके मसल्स टाइट हैं, खींचे हुए हैं, तैयार नहीं हैं, तो कई जगह में वो जो सिखाने वाले हैं ना टीचर, वो कमर के ऊपर ही चढ़ जाते, ऊपर से दबाते नीचे प्रेस करते ऐसे। अब ऐसे खींच तान करके आप आसन करेंगे तो मसल लिगामेंट कुछ भी टेयर हो सकता है, जो लगवा के ही रहेंगे। आसनों में जबरदस्ती नहीं कर सकते, आसन में धीरज चाहिए, धीरज कह रही हूं आलस्य नहीं। कभी कभी सुबह हमारे आश्रमवासी जब योग अभ्यास करते हैं, कई बार मैं आ जाती हूं देखने के लिए, तो जब देखती हूँ कि टेढ़े तो सीधे करो खींचो, अब रोज रोज हम क्या बोलें, क्योंकि एक बात बोले दो बार तीन बार बोलें, चौथी बार से फिर मैं नहीं बोलती हूँ, फिर किसी की ड्यूटी लगाती चल कराओ इसको जरा, जो कर रहा होता है ना उनका रोना निकल जाता है, कौन नहीं तेरी, तुझे नहीं पता सीधी है कि नहीं पता उन्हें। फिर फुल साइज शीशा लगवा के दिया, भाई अंदर से तुम्हें पता नहीं चल रहा, शीशा देख के ही समझ लो, देख के भी नहीं समझ लगता। अब गधे को गाय तो बनाया नहीं जा सकता, गधा गधा रहेगा गाय गाय रहेगी। हालां मनुष्य में यह संभावना है वो चाहे गधा हो जाए तो चाहे गाय हो जाए, तो चूंकि सामने मनुष्य खड़ा ना तो लगता नहीं कि गधे को गाय बनाओ। वो जब बनाने की कोशिश होती ना तो कई बार फिर गधे दुलत्तियां मारते हैं।
तो फिर गधों को छोड़ना पड़ता है कि ठीक है भाई, अब तुम्हारा शरीर तुम साधो नहीं साधो, अहंकार होते हैं ना, अरे हमें आता नहीं है क्या, हो भी नहीं रहा, मानेंगे भी नहीं। तो फिर मुझे नियम यहां बदलना पड़ा। मैंने कहा अब कोई हजार बार हाथ जोड़े कि मुझे सिखाइए, तो एक बार सिखाए, अदरवाइज करो अपने आप, गलत होगा दंड तुम भुगतोगे, शरीर तुम्हारा खराब हो जाए। याद रखे गलत आसन करने के नुकसान भी होते हैं, अगर सही आसन करने के लाभ हैं तो गलत आसन करने के नुकसान भी होते, पर अगर सीखने वाले में नम्रता ना हो, प्रेम ना हो, धैर्य ना हो, संकल्प ना हो, तो नहीं होगा। तो अपनी जितनी शक्ति है उस शक्ति को प्रज्ञापूर्वक लगा करके आसनों को सीखता है, प्राणायाम को करता है। ऐसे ही प्राणायाम ठीक अभ्यास करेंगे बड़े लाभ हैं, प्राणायाम का गलत अभ्यास किया बहुत नुकसान है। हठ योग प्रदीपिका में सूत्र आता है कि जैसे शेर को ट्रेन करना हो तो सिंह की ट्रेनिंग देने वाला बड़े धीरे धीरे सहजे सहजे आराम आराम से सिंह को अपने काबू करता है। वो सोचे मैं एक ही दिन में उसको कहूँ उठ, वो उठ जाए, मैं कहूँ बैठ, वो बैठ जाए, आफ्टर ऑल वो कुत्ता नहीं है शेर है, तो शेर के साथ बड़ी सावधानी इस्तेमाल करनी पड़ती है। ऐसे ही प्राण सिंह से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, इन प्राणों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो प्राणायाम के अभ्यास में बड़ी सावधानी की, सतर्कता की चेतावनी दी है। ये जो जल्दबाजी होती ना कभी कभी, हम जल्दी से कर लें, कुछ चीजों में जल्दी होती नहीं। तो कह रहे श्रद्धा वीर्य पूर्वक, पर आखिर में उन्होंने कहा प्रज्ञा पूर्वक। डोंट ट्राई टू डू इट वन इन वन डे। जब मैंने एक समय पर यह बात कही कि चार घंटा और कितने मिनट, इतनी देर अगर लगातार बैठे तो आसन सिद्ध होता है, हमारा एक शिष्य बैठ गया पद्मासन लगा के, दो घंटे तो ठीक निकल गए, उसके बाद दर्द शुरू हो गई। वीर्य पूर्वक ना बैठे ही रहेंगे, बैठे रहे बैठे रहे, घुटने का पटाखा बोल गया। बोले वो इतनी जोर से अंदर पूरी फीलिंग आई कि कुछ हिल गया आज। खोला नहीं, आसन नहीं खोला, वो जितना समय लगना था वो पूरा समय लगाया, पर उसके बाद से घुटने की तकलीफ हो गई। और आज कई वर्ष हो गए, बहुत सारे प्रिकॉशंस ले लेकर के चलना पड़ता है। और कुछ एक सर्जन हमारे लॉस एंजलिस में हैं एक, तो उन वो जब मिले तो वो कहते इसकी तो सर्जरी होगी, नहीं सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर ऐसी स्थिति के लिए आयुर्वेद सही होता है, फिर आयुर्वेद से उपचार हो जाता है। तो आसन है प्राणायाम है, करे वीर्य पूर्वक, पर उसमें प्रज्ञा होनी चाहिए। ये श्रद्धा से वीर्य से उत्साह बढ़ाए वो अपना, तो इसीलिए महापुरुषों की तस्वीर लगाना अच्छा होता है। सोच रहे हैं हम किसी एक जगह में आश्रम में भी भिन्न भिन्न आसनों में की पोस्चर्स में योगियों के, जिनके हमारे पास चित्र हैं, वो चित्र हम दीवार में कहीं लगाएं कि जब साधक देखें कि एक 120 वर्ष का मनुष्य, 120 वर्ष का योगी इतने कठिन आसन कर सकता है,
तो हम तो भी 50, 60 और 70 गई हैं. ब्यूटिफुल, इट इज सो ब्यूटिफुल टू वॉच दैट. कितनी प्रिजर्वरेंस, टॉलरेंस, पेशेंस के साथ उन्होंने एक काम किया अपने ऊपर कि शरीर इतना लंबा जिया, लेकिन आयु लंबी हो जाने के बावजूद उनकी क्षमताओं में कोई कमी नहीं आई. एक प्रेरणा मिलती. लोग घबराने लग जाते, अरे हम तो बूढ़े हो गए, अब कहाँ से होगा, हम तो मोटे हो गए, हम कहाँ से होगा, अब कहाँ से होगा. ये उत्साहहीनता का लक्षण है. होना ये चाहिए कि कैसे नहीं होगा, जरूर होगा, अवश्य होगा, करेंगे तो होगा. तो ये योग मार्ग करने का है. देखिए भक्ति मार्ग में क्या है, ईश्वर पर डिपेंडेंट हो जाता होगा. तो ईश्वर कृपा करेंगे तो दर्शन देंगे, ईश्वर कृपा करेंगे तो अपने धाम ले जाएंगे, और ईश्वर कृपा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा. तो भक्त को मक्खन लगाना पड़ता है, भगवान को लगाया जा रहा है, खुश करे भगवान, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ, खुश. योग कहते नहीं, तुम संकल्प से, उत्साह से करो, प्रज्ञापूर्वक करो, जो चाहोगे वो होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा. इसमें एक प्रश्न आता है फिर, कि कहो कि 10 लोग एक से आसन रोज करें, प्राणायाम भी करें, पर ये देखने में आया किसी को तो समाधि हो गई और किसी को हुई नहीं, किसी को एकाग्रता इतनी जल्दी हो जाती है और किसी की कभी भी नहीं बन पाती, ये क्यों. एक ही खीर है खा रहे हैं तो सबको एक जैसी तृप्ति होनी चाहिए थी, पर एक जैसी तृप्ति तो होती नहीं. योग के मामले में तृप्ति एक जैसी नहीं है. खीर खाओ सबको एक सी तृप्ति, तो फिर इसमें एक सी क्यों नहीं. क्योंकि इसमें फर्क ये आ जाता है कि मनुष्य का जैसा अभ्यास का वेग होगा, जैसे उसके चित्त की भूमि की शुद्धि या अशुद्धि होगी, वैसा उसका रिजल्ट हो जाएगा. एक ही चीज है, माने एक ही गुरु के 10 चेले हों, गुरु जी सबको एक सा सिखाएं, 10 के सब एक सा ही सब कुछ कर रहे हो, बिल्कुल एक सा ही सब कुछ कर रहे हो, तो भी रिजल्ट डिफरेंट होंगे. क्यों, उनके चित्त डिफरेंट है.